हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिक्स फॉर क्लास 9th पार्ट 1। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड इज़ कार्टेशियन सिस्टम एंड थर्ड वन हम कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो वर्ड कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट का मीनिंग होता है रेफरेंस। रेफरेंस मीन्स एड्रेस। अगर हम किसी भी चीज़ का रेफरेंस देते हैं तो वो किसी के रिस्पेक्ट में देते हैं। तो मैथ्स में हम रेफरेंस का क्या मीनिंग है, कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस दैट। कि सपोज करो हमारे पास एक नंबर लाइन है, लेट्स ड्रॉ ए नंबर लाइन। आप सभी को पता है, देखिए ये नंबर लाइन है, इसमें 0, यहाँ पर मैंने रेफरेंस के लिए पॉइंट एरिया 0, ठीक है। तो इसके जो राइट साइड में जो भी मेरे पॉइंट्स आएंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 3 एंड 4, देखिए सभी इक्वल डिस्टेंस पे हैं। दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट। तो ये सभी जो पॉइंट्स हैं, ये बेसिकली सपोज करो अगर मुझे बताना है फोर्थ पॉइंट कहाँ पर है, तो मैं इस 0 के रिस्पेक्ट में बताऊंगा कि फोर्थ मेरा 4 यूनिट्स दूर है, मेरा 4 पॉइंट, राइट। अब जो इसके लेफ्ट साइड में पॉइंट्स होंगे इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे, वो हम लेते हैं नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, और ये आगे हम चला सकते हैं। तो देखिए, अगर मुझे यहाँ पर -2 का रेफरेंस देना है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में दूंगा कि ये जो -2 है ये मेरा 0 से 2 यूनिट्स लेफ्ट साइड में है। अगर मैं यहाँ पर 3 पॉइंट इसका मुझे रेफरेंस देना है या मुझको इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो मैं कैसे बताऊँगा कि ये जो मेरा थर्ड नंबर पर है वो 0 से 1 2 3, राइट, 3 यूनिट्स दूर है। तो यहाँ पर हमने जो अपना रेफरेंस पॉइंट माना है दैट इज 0, इसके रिस्पेक्ट में हम सभी पॉइंट्स की लोकेशन बता सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, हम एक सिनेरियो लेते हैं। सपोज करो आप क्लासरूम में बैठे हैं और क्लासरूम में और भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, तो यहाँ पर हम एक क्लासरूम को कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस टाइप से। दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6। सपोज करो ये आपका एक क्लासरूम है और यहाँ पर जो भी ये बॉक्सेस हैं ये आपके डेस्क रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं कॉलम की बात करूँ, दिस इज माय कॉलम, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, दिस इज माय सेकंड, दिस इज माय थर्ड, दिस इज माय फोर्थ। यहाँ पर जो रोज हैं दैट इज 1 2 3 4 5। अब सपोज करो यहाँ पर कोई एक बच्चा बैठा हुआ है, उसका नाम है राहुल। अब मुझे अगर इस राहुल की पोजीशन बतानी है तो मैं कैसे बताऊंगा, देखिए राहुल जो बैठा है, कॉलम कौन से कॉलम में बैठा है, थर्ड कॉलम में, और रो कौन सी है, 1 2 3 फोर्थ रो में। तो मैं कह सकता हूं जो राहुल की पोजीशन है दैट इज 3rd column and 4th row। तो ये क्या चीज़ है, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 3, 4, राइट, इस पेयर में लिख सकता हूँ। इसका मतलब है कि 3rd column and 4th row। तो इससे मुझे उसके रेफरेंस का पता चल रहा है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये हमारा थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी। अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक है दैट इज कार्टेशियन सिस्टम। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या चीज़ है? कार्टेशियन सिस्टम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 नंबर लाइन्स को परपेंडिकुलरली लेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर 1 नंबर लाइन है, ऐसे ही हम कार्टेशियन सिस्टम में क्या करते हैं, कार्टेशियन सिस्टम में हम 2 नंबर लाइन्स को लेते हैं। 1 नंबर लाइन जो होगी हमारी दैट इज हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड वर्टिकल नंबर लाइन। देखिए ये दोनों का 0, 0 ये हमें बताते हैं क्या चीज़ है, ये रेफरेंस पॉइंट है। सबसे पहले मैं यहाँ नंबरिंग ड्रॉ करूँगा दैट इज 1 2 3 4 5 चलते जाएगा। यहाँ पर मैं -1 -2 -3 -4 और ये लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 एंड दिस इज -1 -2 -3 -4। देखिए कार्टेशियन सिस्टम में जो ये मेरी हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है इसको मैं बोलता हूँ x एक्सिस। तो यहाँ पर मेरे जो भी नंबर हैं 0 से राइट साइड में, ये क्या होंगे मेरे पॉजिटिव नंबर्स, और जीरो से लेफ्ट साइड में जो भी मेरे नंबर होंगे दैट इज नेगेटिव नंबर एक्स डैश, और जीरो से ऊपर वाली साइड जो भी मेरे वाई एक्सिस, इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, मेरे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और जीरो से डाउन यहाँ पर वाई डैश जो भी मेरे नंबर है ये क्या है नेगेटिव नंबर है। तो देखिए दो मैंने नंबर लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट कर दिया, और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, ओ आर आई जी आई एन। देखिए बेसिकली दिस इज द रेफरेंस ओरिजिन, ये आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है। अब सपोज करो इसको हम 2D प्लेन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस, राइट। तो इसमें अगर मुझे कोई पॉइंट अपनी पोजीशन को लोकेट करना है या मुझे कोई पॉइंट बताना है तो वो मैं इस 2D का यूज़ करके बता सकता हूँ, वो भी अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट उससे पहले हम देख लेते हैं, इसमें देखिए 4 रीजन्स हैं 1, 2, 3 एंड 4, तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स दिस इज माई सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज माई थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज माई फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पर मेरे 4 क्वाड्रेंट्स हैं 1, 2, 3 एंड 4। और अगर मुझे कोई मेरा एक नंबर है लाइक 2,3, राइट, जो मेरा फर्स्ट नंबर होगा ये मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा हमेशा, और जो मेरा सेकंड नंबर होगा ये मेरा किसके ऊपर होगा वाई एक्सिस के ऊपर। सपोज करो मुझे इस पॉइंट को अपने इसके ऊपर लोकेट करना है तो मैं कैसे करूँगा, देखिए यहाँ पर 2 है मेरा एक्स, तो मैं एक्स के ऊपर देखूंगा +2, तो जीरो से हम रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2, तो यहाँ पर मेरा +2 आ रहा है। तो यहाँ से मैं एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर लूँगा जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। अब 3 मुझे वाई एक्सिस पे देखना है, देखिए वाई एक्सिस पे 3 कहाँ पर है, दिस इज वाई, यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। अब जहाँ पर भी मेरी ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं ये मेरा जो कोऑर्डिनेट होगा दिस इज माय कोऑर्डिनेट, तो इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज 2,3, राइट। अगर मुझे अब प्लॉट करना है इसके ऊपर कोई एक पॉइंट को प्लॉट करना है दैट इज -1,3, ये मेरा एक पॉइंट है और मुझे इस एक्सिस के ऊपर अपने इस पॉइंट को प्लॉट करना है, तो -1 हमारा x, तो x की साइड हम लेंगे -1, दिस इज -1, यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, राइट, एंड 3 इज y एक्सिस। अब 3 मेरा ऑलरेडी y एक्सिस के ऊपर मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये जो मेरा जहाँ पर भी ये दोनों लाइन्स मीट करेंगी दिस विल बी माई -1,3। तो ऐसे हम एक दोनों नंबर लाइन के कॉम्बिनेशन को, या फिर हम कह सकते हैं इसको कार्टेशियन सिस्टम पे या कार्टेशियन प्लेन पे हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। एक चीज़ और मुझे जो इसमें मेंशन करनी है दैट इज़ इस लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्स डैश, जो कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्स डैश को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISS से, दिस इज अवर एब्सिसा। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है दैट इज वाई वाई डैश, ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम बोलते हैं, ये हमारी वाई एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE। और जो है हमारे पॉइंट्स है जिनको हम प्लॉट कर रहे हैं इनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, इनको क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो दिस इज अवर एब्सिसा दैट इज एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस दैट इज ऑर्डिनेट एंड दीज आर कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपस में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, आपस में ये जो लाइंस होंगी मेरी क्या होंगी हमेशा परपेंडिकुलर। तो आइए अब हम एक एग्जांपल करेंगे। ये आपका एक NCERT का एग्जांपल है, इसमें देखिए हमें कुछ 2 एक्सिस दे रखी हैं, दिस इज अवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। एक्स एक्स डैश ये हमारे 0,0 यहाँ पर ओरिजिन है जहाँ पर भी दोनों मीट कर रही हैं एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। और ओरिजिन से राइट साइड की तरफ हम देखें पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव नंबर एक्स एक्सिस के ऊपर, ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव नंबर्स एंड नीचे चलेंगे तो नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं जैसे B, D, C, G, E, H। तो इसमें हमें पूछा गया है कि ये मुझे पॉइंट्स के आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो देखिए जैसे कि हमने पॉइंट को प्लॉट किया था, इस टाइप से हम इनके कोऑर्डिनेट्स भी बता सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं डी पॉइंट। देखिए यहाँ पर डी पॉइंट है। अब डी पॉइंट में हमें देखना है एक्स और वाई बताना है। देखिए एक्स से कितना दूर है, 1 2 3 4 5 6, 6 हमारा एक्स एक्सिस से दूर है, राइट। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, एक्स एक्सिस में होगा 6 यूनिट्स और वाई एक्सिस में देखिए कितना दूर है, 1 2 यूनिट्स वाई एक्सिस के ऊपर है, राइट। तो दिस इज 6,2। हमेशा आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा दैट इज एक्स, हमें एक्स के ऊपर देखना है, और हमारा जो सेकंड इसमें पॉइंट होगा वो हमने वाई एक्सिस के ऊपर देखना है, राइट। तो ऐसे ही अगर हम सी पॉइंट की बात करें, देखिए एक्स कितना है 5 और वाई कितना है -5, तो इसको हम लिख सकते हैं 5, -5, राइट। तो ऐसे ही जी पॉइंट है। जी पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस कितना है जी पॉइंट का, 2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, -4। सो दिस इज आवर एब्सिसा। 6 को हम बोल सकते हैं यहाँ पर एब्सिसा है, 2 हमारा ऑर्डिनेट है, यहाँ पर 5 एब्सिसा है, -5 इज ऑर्डिनेट, 2 इज एब्सिसा एंड -4 इज ऑर्डिनेट। अब ये ई पॉइंट को हम देखेंगे, -3, -5, दिस इज एब्सिसा। हमेशा हमने फर्स्ट पॉइंट जो है वो एब्सिसा होगा और सेकेंड पॉइंट जो है वो हमारा ऑर्डिनेट होगा। ऐसे ही मैच की बात करें तो यहाँ पर भी हमारा जो एब्सिसा है वो क्या है, -5 एंड ऑर्डिनेट क्या है, -3। ऐसे ही जो बी पॉइंट है दैट इज -5, -2, राइट। एक हमारा यहाँ पर एल पॉइंट है। देखिए एल पॉइंट हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका एक्स तो देखिए 0 है और ये पॉइंट हमारा वाई एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ पर हम लेंगे एक्स इज, इस एल का हम एक्स लेंगे 0 और वाई देखिए कितना है 5, तो 0,5, राइट। एक चीज़ हमें और इसमें ध्यान देनी है, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है या फिर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन बोल सकता हूँ। तो इसमें जो मेरे क्वाड्रेंट्स हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, दिस इज़ माय सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ माय थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ माय फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो भी पॉइंट्स होंगे, देखिए दोनों पॉजिटिव हैं क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आएंगे हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव ही आएंगे, जैसे 6,2, 5,2, 4,2, 3,2, इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट बनेंगे वो मेरे हमेशा पॉजिटिव बनेंगे। दोनों मेरे एब्सिसा भी पॉजिटिव एंड ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। अब इस अगर मैं रीजन की बात करूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पर मेरा एब्सिसा क्या है, नेगेटिव। देखिए एब्सिसा क्या है मेरा, नेगेटिव, और ऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव, राइट। यहाँ पर मेरा एब्सिसा भी नेगेटिव है और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। यहाँ पर मेरा एब्सिसा क्या है, पॉजिटिव, और ऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। अगर कोई आपसे पूछे कि मेरा एक पॉइंट है, सपोज करो लेट्स से कि मेरा एक पॉइंट है -5, -3, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो आप कह सकते हैं, देखिए आप साइन को देखना है सबसे पहले आपने, तो ये भी नेगेटिव है, एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर आप बना के भी देख सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखिए। सपोज आपसे कोई पूछता है कि 2, -3, ये मेरा कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है, सो 2 इज़ पॉजिटिव एंड माइनस, दिस इज़ फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए हमारा एब्सिसा पॉजिटिव है और ऑर्डिनेट नेगेटिव है, सो दिस इज़ इन माय फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं आपसे पूछूँ -2, 3, देखिए एब्सिसा नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट पॉजिटिव, दिस इज़ इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सिंपल है 2,2, दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि बिकॉज एब्सिसा भी पॉजिटिव है एंड ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं लाइक दिस NOPQR, ये मेरे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को मुझे अपनी इस कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करना है। तो देखिए प्लॉटिंग हम कैसे करेंगे, जैसे कि N एक मेरा पॉइंट है -3, -5, तो यहाँ नेगेटिव एब्सिसा देखना है आपने, -3 यहाँ, और -5 भी कहाँ आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -5 इज दिस, राइट। तो N पॉइंट मेरा कहाँ हो गया, -3, -5 यहाँ पर। ये ऑलरेडी यहाँ पर E पॉइंट है, तो N भी मेरा क्या होगा, -3, -5। ऐसे ही मेरा O पॉइंट है, O पॉइंट 2, -5, एब्सिसा इज पॉजिटिव एंड -5 इज दिस। तो यहाँ पर मेरा आ गया है O पॉइंट, दैट इज 2,-4, राइट, या फिर मैं अब लाइन्स परपेंडिकुलर करके भी बना सकता हूँ। देखिए 0,-4, एब्सिसा मेरा 0 है और ऑर्डिनेट क्या है मेरा, -4, तो एब्सिसा 0 और ऑर्डिनेट इज -4, तो यहाँ आएगा मेरा G पॉइंट, इसको बोलेंगे हम G पॉइंट। तो G पॉइंट हम लिख सकते हैं, सॉरी P पॉइंट, नॉट G, दिस इज P पॉइंट, 0,-4। नेक्स्ट इज 3,0. तो 3 इज एब्सिसा एंड 0 इज ऑर्डिनेट, तो दिस इज माई क्यू कोऑर्डिनेट 3,0. नेक्स्ट इज -3,0. -3 इज दिस एंड y इज 0. So again this is my r point, r coordinate -3,0. S 0,1. So 0 is, this is my S point, that is 0,1. T is 0,0. देखिए अब 0,0 जहां पर मेरा origin है, this is my origin, this is T point, right according to this. So ये था हमारा बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. फर्दर जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो दैट्स इट, थैंक यू.